मैं गड्डी पा के पता नहीं कितने उन्होंने गड्डी परना पाया तो मैं थले मूँह मेरा थले करके पिठ से बड़ा मारिया उन्होंने मुके मके मारे भी पच्ची मिनट पूरा उन्होंने मतलब लगातार भी पच्ची मिनट कुटिया मैनू। सत श्री अकाल पंजाबी लोग चैनल देख रहे हो, मैं संसारदीप सिंह। पंजाब की पुलिस वैसे तो लोगों की सुरक्षा के लिए होंगी, आम लोगों की सुरक्षा का जिम्मा पंजाब पुलिस के मोढ़ियां ते हुंदा है। पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारियों के वलों भी अक्सर इस तरह के बयान दिते जाते हैं कि आने वाले समय के पंजाब पुलिस का अक्सर सुधारण के लिए उन्होंने वलों वड्डियां कार्रवाइया की जाएंगी, वड्डे कदम जिहड़े ने पंजाब पुलिस का अक्सर सुधारण के लिए सीनियर अधिकारियों के वलों चुकण की गल हमेशा तो कही जाती है, पर हमेशा किसी ना किसी तरीके का विवाद पंजाब पुलिस के अधिकारियों के नाल जुड़ता जाता है, जिस दे नाल उच्च अधिकारियों के वलों पंजाब पुलिस का अक्सर सुधारण दीतिया जा गल हवा होंगे हुई नज़र आ रही ने। इस तरह का एक विवाद जिहड़ा गुरदासपुर पुलिस के नाल जुड़िया, जिथे पुलिस मुलाजमान के उपर दो नौजवानों जबरदस्ती उन्होंने घर तो चक के गैर कानूनी तरीके कुटमार करन दे इल्जाम जिहड़े ने नौजवानों के परिवार के वलों लगाए गए ने। इस तो बाद जिहड़े नौजवान पुलिस की कुट का शिकार होए दसे जाते हैं उन्होंने परिवार के वलों थाने के सामने बीती रात जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया, तो उन्होंने वलों जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों के उपर कार्रवाई करने की जिहड़ी मंग की गई। पुलिस की कुटमार का शिकार होए एक नौजवान ने दसिया कि वह अपने दोस्त दे घर अपना नवा फोन लैण की खुशी के पार्टी करने के लिए गया सी। जदों पार्टी कर रहे थे तो कुछ पुलिस के अधिकारी आते हैं तो उसनू लगातार मारना कुटना जिहड़ा शुरू कर देंदे ने। उस तो बाद एक गड्डी दे विच बिठा के उसनू उसके मूँह के उपर काला कपड़ा पा के अणदसी थां दे उपर ले जा के भी उसके नाल कुटमार जिहड़ी आ कीती जांदी आ। तीन तो चार घंटे के बाद उस नौजवान नू परिवार के हवाले किया जाता, मतलब कि नौजवान के दसण मुताबिक तीन तो चार घंटे की मार कुटाई करन तो बाद उसनू उसके परिवार के हवाले किया जाता, उसनू पुलिस की गिरफ्त तो बाहर जिहड़ा भेजा जाता है। इस तो अलावा होर की कुछ कहिंदा पीड़ित नौजवान ये भी तुहानू एक बारी सुना दिंदे आ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਰ ਕੀ ਗੱਲ ਬਤਾਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ? ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਚੁੱਕੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਕੌਫੀ ਸ਼ੋਰਟਸ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਚੰਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਫੜਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕੇ ਮੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੂਰੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰ ਤੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਫੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਡੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 7:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਮੇਰਾ 20-25 ਮਿੰਟ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 20-25 ਮਿੰਟ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਦੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। 7 SHO ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੀ SHO ਸੀ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਦੇ। ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕਿਹੜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਡੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੜਾ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ
दुकान के उपर बैठा से दुकान के उपर बैठे नौजवान ही पुलिस के वलों जो सिविल वर्दी के उसके पिता के दसण मुताबक सिविल वर्दी के प्राइवेट कार के उसकी दुकान पर आते हैं तो उसके पुत्र जबरदस्ती चुक के थाने लै जाते हैं जिससे उसके पुत्र की जी बेरहमी के नाल कुटमार की जाती है। परिवार के दसण मुताबक उन्होंने बच्चों के उपर कोई भी किसी भी तरह का कोई अपराधिक मामला जिहड़ा दर्ज नहीं इस तो बाद भी पुलिस के वलों अणमनुखी तशद्दुद उन्होंने बच्चों के उपर किया जाता है। होर की कुछ कहते हैं शिकार कुटमार के शिकार होए दूजे नौजवान के पिता ये भी तुम एक बार सुना दें। गल ए हुई है जी राजू पुलिसिया जो मैं पहले दोपहर ही मिले मैं घरों दुकान से जान दिया तो मैंने मिले मैंने कहता नीड़े भा मेरी एक मिनट गल सुनी मैं हाँ दस की गल कहता यार तेरा मुंडा ना गलत काम करता मैं की कहता यार अं जिन्हों चुकन जाने ना यू फोन कर दिता मैं क्या तुम्हें उन्होंने दस के जाते हो तुम किनू चुकन चले हो तुम मुलाजिम हो जा दस के जाते हो भी किनू चुकन चलो जो भैन सुपना आ जाता भी तुम चुकन चले हो कहता यार समझाई फिर मैंने कहता कोई अनमोल अनमोल उन्होंने अनमोल बारे पुछी मैं कि अनमोल कहता उन्होंने पता उन्हें पुछ ली मैं चल ठीक है मैं दुकान पर गया तो मैं मुंडे ने पूछा मैं कहना नहीं तेरी कहीं गलबात हुई कहता नहीं डैडी तेरे सामने मैं सवेर का 9 बजे का दुकान पर आया तो मैं कि निकलें जा मेरे को मैं मैंने राजू ने यार इस तरह सर लामा दिता चलो गल मोगी मैं कहीं जल्दी आयो तीन बंदे आए दुकान से नन्ने गुटों फट के ना दुकान तो लै गया तो गड्डी बालिया मैं कहना नन्ने बालिया मैं आया बाहर तो मैं वेखिया तो अगे गड्डी बालिया तो राजू ने मैं वेख लिया ड्राइवरी कर दिया मैं हाथ देकर राजू उठा लिया मैं कहा राजू दो मिनट मैं कोई बंद वाली गल कर यार मैं तो एक पास मैंने भरा कह दिया नीड़े भा मेरी गल सुन तो एक पास की करन दिया तू कि मैं कहदे वास्ते करन दिया कहता यार इन सिर्फ अभी कुछ पुछना वा दो मिनट सीढ़ी आ जा तो मैं सीधा अंदर चल गया मैं सेंतर ही गा माड़ा मोटा वाग भी मैं इतने यार राजू आया कितनी देर बाद मिले तुम आया मैं तुम सारी गल दस लगा मैं सेंतरी कहता इतने नहीं मैं बाहर आ गया मैं इतने 15-20 मिनट खोता रहा आगे 15-20 मिनट खोता मैं अपने भतीजे को अपने भरा फोन किया कहते तू खलो ही 10 मिनट से दुकान बधा के ही आ गए मैं 20-25 मिनट अद्धा घंटा लाल खोता वा अगर सामने राजू के सत्त बल आऊँ तुरे आंडे आऊँ तुरे आने मैं राजू पास होनी की है मैं दे मुंडा दे कितने है कहना मैं 2 मिनट रुक जा आ गया आ गया यानी जोड़ा तीजा मुलाजिम मुंडे को फड़ के लिया गुटों फड़ेगा वे कंच फुबारा छुटेगा पूरा खून का मैं कोई दवाई लवा दो भैन कोई पट्टी पुट्टी करा छो नहीं बस राजू कहता 2 मिनट जाकर लै जी करते करते 10 बजे पूरे वो कहता जी मैं इन्ना मेरे को बेसबाल कोई हाकी है जो उन्होंने हाथ है तिना मारी के कुटी गिरने वा एस एच ओ ने राजू ने बाबे ने सत्त बल चार ने जोड़े 3 लैके आए हैं एस एच ओ सू नहीं पता की नाम की एस एच ओ कहता क्वार्टर सीधा क्वार्टर लै गए सीधा ही थाने के अंदर नहीं खड़िया उसे कैमरे लगे भी उसे कुट नहीं सकते हाँ जी अं एस एस पी से पेश हो अं तो मंग चाहते भी इन्होंने दोनों तिना सस्पेंड करो बस इन्होंने पर्चे भी दियो इन्होंने कितना बगीचा बच्चा साढ़ा घर है तो जो मंग मनो जी अं चुक देखो इन्होंने कितना बगीचा बच्चा प्राइवेट सिविल च आए प्राइवेट गड्डी कहे कानून च लिखा कि प्राइवेट गड्डी दुकान से लिया के बच्चा चुक लीए अं करके चुक लिया सानू की पता भी पुलिस वो तो चलो राजू मैं जानता ही मैं वेख लिया जो राजू में मैं ना पछाणदा हुंदा तां मैनूं की पता कौन लै गया बच्चे कौन नहीं लै गया अभी यही कहना भी तिना अंदर दो बस दूजे नौजवान के पिता की जवानी तुसी ने सुन के किस तरह के नाल एक पिता के वलों पुलिस अधिकारियों के उपर जिन्हों के विच उन्हां दे दसण मुताबक एक उन्हां दा जानकार भी दस्या जा रहा है उन्होंने वलों उसके पुत्र के नाल किस तरह के नाल अणमनुखी तशद्दुद किया गया। मिली जानकारी के मुताबक जदों ये मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान दे विच आउंदा तां सूत्रां मुताबक उन्हां पुलिस अधिकारियों जिन्हां दे उपर परिवारां दे वलों ये इल्जाम जिहड़े ने लगाए गए ने उन्होंने जिहड़ा सस्पेंड कर दिता है मतलब कि नौकरी तो जिहड़ा लांबे करन दा जिहड़ा हुक्म उच्च अधिकारियों के वलों दे दिता गया। पर उच्च अधिकारियों की इस कार्रवाई तो बाद भी पुलिस के खिलाफ जिहड़ा गुस्सा परिवारक मैंबरों का वो ठंडा होने का नाम नहीं लै रहा। परिवारक मैंबर ने वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अज्ज सवेरे होर ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक उच्च अधिकारियों के वलों जिम्मेवार पुलिस अफसरों के उपर FIR दर्ज करन दा जिहड़ा भरोसा परिवारक मैंबरों नूं दिता गया जिस तों बाद परिवारक मैंबरों के वलों ये धरना जिहड़ा समाप्त कर दिता गया क्योंकि उच्च अधिकारियों के वलों जिहड़ा भरोसा FIR दर्ज करन दा परिवारक मैंबरों नूं दिता गया सी। हालांकि इस दे सामने इस दे मामले दे विच कोई ऑफिशियल जिहड़ी स्टेटमेंट आ हाले तक निकल के सामने नहीं आई कि आखिर उच्च अधिकारियों के वलों इस मामले दे विच की कार्रवाई की जा रही है। पर साडे सहयोगी रोहित गुप्ता द्वारा दित्ती जानकारी दे मुताबक परचा दर्ज करन दा भरोसा जिहड़ा परिवारक मैंबरों नूं दे दिता गया जिस तों बाद परिवारक मैंबरों दे वलों ये धरने प्रदर्शन जिहड़े ने समाप्त कर ले गए ने। पर पुलिस दे वलों जो कार्रवाई की गई है परिवार के दसण मुताबक वो बख्शी नहीं जा सकती बहुत ही घटिया ढंग की कार्रवाई करार जिहड़ा परिवारक मैंबरों दे वलों दिता गया कि जेकर उन्हां दे बच्चों का कोई कसूर नहीं सी तां फिर पुलिस दे वलों गैर कानूनी ढंग दे नाल आखिर
उन्होंने बच्चों चुक के मार कुटाई क्यों की गई। ये तो खैर जांच का विषय कि इस दे पिछे दे जिहड़े अधिकारी ने जां पुलिस मुलाजम ने उन्होंने वलों उन्होंने कोलों जदों उच्च अधिकारियों के वलों पुछगिछ की जाऊगी उन्होंने कोलों ही खुलासे हो सकणगे कि आखिर उन्होंने वलों ये घटिया हरकत जिहड़ी आ इस तरह की हरकत जिहड़ी आखिर क्यों की गई जदों जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों के बयान उच्च अधिकारियों के कोल दर्ज होणगे।